श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंध द्वयशीतितमो अध्याय भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोप गोपियों की भेंट। इससे पूर्व के अध्याय में हमने भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुदामा जी को ऐश्वर्य प्राप्ति का बड़ा ही सुंदर वर्णन सुना। अब आगे नारायणम नमस्कृत्य नरम चेव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका में निवास कर रहे थे। एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, जैसा कि प्रलय के समय लगा करता है। परीक्षित, मनुष्यों को ज्योतिषियों के द्वारा उस ग्रहण का पता पहले से ही चल गया था, इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य आदि उपार्जन करने के लिए समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। समंत पंचक क्षेत्र वह है जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके राजाओं की रुधिर धारा से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने साथ कर्म का कुछ संबंध न होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। परीक्षित, इस महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र आई थी। उनमें अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े तथा गद, प्रद्युम्न, सांब आदि अन्य यदुवंशी भी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र आए थे। प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध और यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा, ये दोनों सुचंद्र, सुक, सारण आदि के साथ नगर की रक्षा के लिए द्वारका में रह गए थे। यदुवंशी एक तो स्वभाव से ही परम तेजस्वी थे, दूसरे गले में सोने की माला, दिव्य पुष्पों के हार, बहुमूल्य वस्त्र और कवचों से सुसज्जित होने के कारण उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वे तीर्थयात्रा के पथ में देवताओं के विमान के समान रथों, समुद्र की तरंग के समान चलने वाले घोड़ों, बादलों के समान विशालकाय एवं गर्जना करते हुए हाथियों तथा विद्याधरों के समान मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने वाली पालकियों पर अपनी पत्नियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे, मानो स्वर्ग के देवता ही यात्रा कर रहे हों। महाभाग्यवान यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्र चित्त से संयम पूर्वक स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपवास किया। उन्होंने ब्राह्मणों को गौदान किया, ऐसी गौओं का दान किया जिन्हें वस्त्रों की सुंदर सुंदर झूलें, पुष्प मालाएं एवं सोने की जंजीरें पहना दी गई थीं। इसके बाद ग्रहण का मोक्ष हो जाने पर परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में यदुवंशियों ने विधिपूर्वक स्नान किया और सतपात्र ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन कराया। उन्होंने अपने मन में यह संकल्प किया था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेम भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श और इष्टदेव मानने वाले यदुवंशियों ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर तब स्वयं भोजन किया और फिर घनी एवं ठंडी छाया वाले वृक्षों के नीचे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार डेरा डालकर ठहर गए। परीक्षित, विश्राम कर लेने के बाद यदुवंशियों ने अपने सुहृद और संबंधी राजाओं से मिलना भेटना शुरू किया। वहाँ मत्स्य, उसीनर, कौशल, विदर्भ, कुरु, संजय, कंबोज, केकय, मद्र, कुंती, अनर्त, केरल एवं दूसरे अनेकों देशों के अपने पक्ष के तथा शत्रु पक्ष के सैकड़ों नरपति आए हुए थे। परिचित, इनके अतिरिक्त यदुवंशियों के परम हितेशी बंधु नंद आदि गोप तथा भगवान के दर्शन के लिए चिरकाल से उत्कंठित गोपियां भी वहां आई हुई थीं। यादवों ने इन सबको देखा। परिचित, एक दूसरे के दर्शन, मिलन और वार्तालाप से सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी के हृदय कमल एवं मुख कमल खिल उठे। सब एक दूसरे को भुजाओं में भरकर हृदय से लगाते, उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग जाती, रोम रोम खिल उठता, प्रेम के आवेग से बोली बंद हो जाती और सबके सब आनंद समुद्र में डूबने उतराने लगते। पुरुषों की भांति स्त्रियाँ भी एक दूसरे को देखकर प्रेम और आनंद से भर गईं। वे अत्यंत सौहार्द, मंद मंद मुस्कान, परम पवित्र तिरछी चितवन से देख देख कर परस्पर भेंट अखबार भरने लगी। वे अपनी भुजाओं में भरकर केसर लगे हुए वक्ष स्थलों को दूसरी स्त्रियों के वक्ष स्थलों से दबाती और अत्यंत आनंद का अनुभव करती।
उस समय उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू छलकने लगते। अवस्था आदि में छोटों ने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया और उन्होंने अपने से छोटों का प्रणाम स्वीकार किया। वे एक दूसरे का स्वागत करके तथा कुशल मंगल आदि पूछकर फिर श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं आपस में कहने सुनने लगे। परिचित कुंती वसुदेव आदि अपने भाइयों बहनों उनके पुत्रों माता पिता भाभियों और भगवान श्री कृष्ण को देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गई। कुंती ने वसुदेव जी से कहा, भैया मैं सचमुच बड़ी अभागिन हूँ, मेरी एक भी साध पूरी न हुई। आप जैसे साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति के समय मेरी सुध भी नहीं लेते, इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी। भैया विधाता जिसके बाएं हो जाता है उसे स्वजन संबंधी पुत्र और माता पिता भी भूल जाते हैं, इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं। वसुदेव जी ने कहा, बहन उलाहना मत दो, हमसे विलग न मानो, सभी मनुष्य देव के खिलौने हैं। यह संपूर्ण लोक ईश्वर की वश में रहकर कर्म करता है और उसका फल भोगता है। बहन कंस से सताए जाकर हम लोग इधर उधर अनेक दिशाओं में भगे हुए थे, अभी कुछ ही दिन हुए ईश्वर कृपा से हम सब पुनः अपना स्थान प्राप्त कर सके हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वहाँ जितने भी नरपति आए थे, वसुदेव उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने उनका खूब सम्मान सत्कार किया। वे सब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर परमानंद और शांति का अनुभव करने लगे। परीक्षित भीष्म पितामह द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ गांधारी पत्नियों के सहित युधिष्ठिर आदि पांडव कुंती संजय विदुर कृपाचार्य कुंती भोज विराट भीष्मक महाराज नग्नजित पुरजित द्रुपद शल्य धृष्टकेतु काशी नरेश दम घोष विशालाक्ष मिथिला नरेश मंदर नरेश केकय नरेश युधामन्यु सुशर्मा अपने पुत्रों के साथ वाहलीक और दूसरे भी युधिष्ठिर के अनुयायी निरपति भगवान श्री कृष्ण का परम सुंदर श्री निकेतन विग्रह और उनकी रानियों को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। अब वे बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण से भली भांति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से श्री कृष्ण के स्वजनों यदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने मुख्यतया उग्रसेन जी को संबोधित कर कहा, भोजराज उग्रसेन सच पूछिए तो इस जगत के मनुष्यों में आप लोगों का जीवन ही सफल है, धन्य है, धन्य है, क्योंकि जिन श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है उन्हीं को आप लोग नित्य निरंतर देखते रहते हैं। वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान किया है, उनके चरण धोवन का जल गंगा जल उनकी वाणी शास्त्र और उनकी कीर्ति इस जगत को अत्यंत पवित्र कर रही है। अभी हम लोगों के जीवन की ही बात है, समय के फेर से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था, परंतु उनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी में फिर समस्त शक्तियों का संचार हो गया और अब वह फिर हमारी समस्त अभिलाषाओं मनोरथों को पूर्ण करने लगी। उग्रसेन जी आप लोगों का श्री कृष्ण के साथ वैवाहिक एवं गोत्र संबंध है, यही नहीं आप हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते रहते हैं, उनके साथ चलते हैं बोलते हैं सोते हैं बैठते हैं और खाते पीते हैं। यूँ तो आप लोग गृहस्थी की झंझटों में फंसे रहते हैं जो नर्क का मार्ग है, परंतु आप लोगों के घर वे सर्वव्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान रूप से निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से स्वर्ग और मोक्ष तक की अभिलाषा मिट जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब नंद बाबा को यह बात मालूम हुई कि श्री कृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, तब वे गोपों के साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर लाद कर अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण बलराम आदि को देखने के लिए वहाँ आए। नंद आदि गोपों को देखकर सबके सब यदुवंशी आनंद से भर गए। वे इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो मृत शरीरों में प्राण का संचार हो गया हो। वे लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत दिनों से आतुर हो रहे थे, इसीलिए एक दूसरे को बहुत देर तक अत्यंत गाढ़ भाव से आलिंगन करते रहे। वसुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विह्वल होकर नंद जी को हृदय से लगा लिया। उन्हें एक एक करके सारी बातें याद हो आईं, कंस किस प्रकार उन्हें सताता था और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में ले जाकर नंद जी के घर रख दिया था।
भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने माता यशोदा और पिता नंद जी के हृदय से लगकर उनके चरणों में प्रणाम किया। परिचित उस समय प्रेम के उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रुंध गया, वे कुछ भी बोल न सके। महाभाग्यवती यशोदा जी और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बैठा लिया और भुजाओं से उनका गाढ़ आलिंगन किया। उनके हृदय में चिरकाल तक न मिलने का जो दुख था वह समिट गया। रोहिणी और देवकी जी ने व्रजेश्वरी यशोदा को अपनी अखबार में भर लिया। यशोदा जी ने उन लोगों के साथ मित्रता का जो व्यवहार किया था उसका स्मरण करके दोनों का गला भराया। वे यशोदा जी से कहने लगी, यशोदा रानी, आपने और विजेश्वर नंद जी ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया है वह कभी मिटने वाला नहीं है। उसका बदला इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका सकती। नंद रानी जी, भला ऐसा कौन कृतघ्न है जो आपके उस उपकार को भूल सके। देवी, जिस समय बलराम और श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को देखा तक न था और इनके पिता ने धरोहर के रूप में इन्हें आप दोनों के पास रख छोड़ा था, उस समय आपने इन दोनों की इस प्रकार रक्षा की जैसे पलकें पुतलियों की रक्षा करती हैं, तथा आप लोगों ने ही इन्हें खिलाया पिलाया दुलार किया और रिझाया। इनके मंगल के लिए अनेकों प्रकार के उत्सव मनाए। सच पूछिए तो इनके माँ बाप आप ही लोग हैं। आप लोगों की देख रेख में इन्हें किसी की आँच तक न लगी। ये सर्वथा निर्भय रहे, ऐसा करना आप लोगों के अनुरूप ही था, क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने पराये का भेदभाव नहीं रहता। नंदरानी जी, सचमुच आप लोग परम संत हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित, मैं कह चुका हूँ कि गोपियों के परम प्रियतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। जब उनके दर्शन के समय नेत्रों की पलकें गिर पड़ती तब वे पलकों को बनाने वाले को ही कोसने लगती। उन्हीं प्रेम की मूर्ति गोपियों को आज बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उनके मन में इसके लिए कितनी लालसा थी इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने नेत्रों के रास्ते अपने प्रियतम श्री कृष्ण को हृदय में ले जाकर गाढ़ आलिंगन किया और मन ही मन आलिंगन करते करते तन्मय हो गई। परिचित, कहाँ तक कहूँ, वे उस भाव को प्राप्त हो गईं जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियाँ मुझ में तदात्म्य को प्राप्त एक हो रही हैं तब वे एकांत में उनके पास गए, उनको हृदय से लगाया, कुशल मंगल पूछा और हंसते हुए यों बोले, सखियो, हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए व्रज से बाहर चले आए और इस प्रकार तुम्हारी जैसी प्रेयसियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गए। बहुत दिन बीत गए, क्या कभी तुम लोग हमारा स्मरण भी करती हो? मेरी प्यारी गोपियों, कहीं तुम लोगों के मन में यह आशंका तो नहीं हो गई है कि मैं अकृतज्ञ हूँ, और ऐसा समझकर तुम लोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगी हो? निसंदेह भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग के कारण हैं। जैसे वायु बादलों तिनकों रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देती है और फिर स्वच्छंद रूप से उन्हें अलग अलग कर देती है, वैसे ही समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान भी सबका संयोग वियोग अपनी इच्छानुसार करते रहते हैं। सखियो, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृतत्व अर्थात परमानंद धाम प्रदान करने में समर्थ है। प्यारी गोपियों, जैसे घट पट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उनके आदि अंत और मध्य में बाहर और भीतर उनके मूल कारण पृथ्वी जल वायु अग्नि तथा आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं, वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं उनके पहले पीछे बीच में बाहर और भीतर केवल मैं ही मैं हूँ। इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से स्थित हैं और आत्मा भोक्ता के रूप से अथवा जीव के रूप से स्थित है, परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं। तुम लोग ऐसा अनुभव करो।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीव को सुलिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गईं, भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गईं। उन्होंने कहा, हे कमलनाभ, अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं, उन्हें उससे निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। प्रभो, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे, हम एक क्षण के लिए भी उसे न भूलें। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद द्वय सती तितमो अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।